नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में डकैती के दौरान हुई हत्या में वांछित मुख्य आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। मुख्य आरोपी लोकेश कुशवाहा मुठभेड़ के दौरान हुआ गिरफ्तार। लोकेश के पैर में लगी गोली पुलिस के रोकने पर पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में लोकेश हुआ घायल, इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। केमिकल व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था लोकेश। लोकेश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, डीवीआर और लूटी गई नकदी में से 3300 रुपये बरामद। आगरा थाना हरि पर्वत पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई सर? आज दिनांक 12 अप्रैल 2024 को थाना हरि पर्वत में सूचना मिली कि थाना हरि पर्वत में कारित हुई लूट और मर्डर, डकैती और मर्डर का नामजद अभियुक्त लोकेश, जिसके ऊपर 25,000 का रिवॉर्ड भी है, वो मूवमेंट कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। अभियुक्त को आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अभियुक्त के पास से एक घटना में लूटा गया DVR, एक इलीगल वेपन, कुछ राउंड्स और कुछ कैश और एक चेन बरामद हुई। थाना हरि पर्वत पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।